आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। गोपाल मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद मंत्री सरयू राय ने झंडा तोलन किया। गोपाल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सरयू राय ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर उपायुक्त के अलावा जिला प्रशासन के सभी अधिकारी एवं स्कूली बच्चे, जिला स्काउट एंड गाइड, रैफ एवं जैप के जवान शामिल थे। यहाँ पर इस दौरान झंडोत्तोलन के बाद मंत्री ने सरकारी योजनाओं के विषय में बताया। उन्होंने मेधावी छात्रों एवं सीनियर सिटीजन को सम्मानित भी किया। इंटरमीडिएट में विज्ञान संकाय में कांग्रेस परिषद की तरफ से पदमेडी अन्य विद्यालय टेम्पो के अतुल कुमार टेंथ क्लास में पूरे जिले में प्रथम स्थान होंगे और आने वाले पीढ़ियों के लिए रहकर हमारे सामने उठते हैं। हमारी आजादी मुकम्मल है परंतु हमारा भूगोल मुकम्मल नहीं रहा। देश जब आजाद हुआ, आजादी के समय हमारे मातृभूमि का जो टुकड़ा हमसे अलग हो गया। उधर दूसरी ओर उपायुक्त अमित कुमार ने उपायुक्त कार्यालय में तिरंगा फहराया। एसएसपी अनुप टी मैथ्यूज ने एसपी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। एसडीओ कार्यालय के बाहर एसडीओ सूरज कुमार ने भी ध्वजारोहण किया। वहीं डीटीओ संजय पी कुजूर ने भी ध्वजारोहण किया। सत्तरवीं स्वाधीनता दिवस के मौके पर टाटा स्टील मुख्य गेट पर टाटा स्टील के उपाध्यक्ष बी के दास ने भी झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर पूर्व एमडी एवं टाटा संस के निदेशक डॉक्टर जे ईरानी, डॉक्टर टी मुखर्जी, टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष आरबीबी सिंह, रघुनाथ पांडे समेत अन्य मौजूद थे। झंडोत्तोलन के बाद मुख्य अतिथि ने सभी को 70वीं स्वाधीनता दिवस की बधाई दी और कहा कि देश तरक्की की राह पर जाए, यही हम सब की कामना है। कांग्रेचुलेटिंग एंड गिविंग बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ 70th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। We all are very proud citizens of India and justifiably so. India has been one of the most enduring and endearing democracies in the world. There may have been criticism of not growing fast enough, but I think foundation that is being laid is so strong that India will remain
वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने परेड भी किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉयला स्कूल में ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चर्च स्कूल में भी झंडोत्तोलन किया गया। यहां स्वर्ण रेखा विकास परियोजना के अधिकारी ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य समेत बच्चे भी मौजूद थे। तो गॉड हमारी साथियां हमसे जुड़ते हुए एक अलग दूसरी ओर सुनारी निर्मल भवन में समाज सेवी आस्तिक महतो ने झंडोत्तोलन किया और सभी को 70वीं स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। आजादी का 70 साल हम पार कर चुके हैं। हमारे बहुत तकलीफ के साथ हमारे आजादी मिला था, लेकिन आजादी के जो मकसद था वो मकसद आज भी हम पूरा नहीं कर सके। इसलिए बहुत अत्यंत दुख के साथ हमारे देश के जो भी राजनेता है, सोशल वर्कर है, सबसे मेरा नर्म निवेदन है कि 70 साल के बाद भी कम से कम देश में स्वच्छ पीने के लिए पानी तो मिलना चाहिए। वहीं निर्मल महतो स्टेडियम में सविता महतो ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर फरी महतो समेत अन्य मौजूद थे। उधर दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलदेव सिंह ने भी हरिजन बस्ती में ध्वजारोहण किया। सुनारी स्थित रेलवे इंस्टीट्यूट सेंटर में भी आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट के संचालक एवं छात्र भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में झंडोत्तोलन किया एवं देशवासियों को 70वीं स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कदमा स्थित नील सरोवर में सर्वप्रथम झंडोत्तोलन किया। तत्पश्चात मंदिर पथ में भी उन्होंने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सुनारी स्थित वरुण घोष के प्रांगण में भी उन्होंने ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने साक्षी के विभिन्न ऑटो स्टैंड पर झंडोत्तोलन किया। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड रहमान लॉज के सामने भी आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में उन्होंने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा बगान शाही और पोस्ट ऑफिस रोड में भी उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया और ध्वजारोहण कर सभी को बधाइयां दी। गौड़ बस्ती में आनंद विहार कॉलोनी में आयोजित बच्चों की प्रतियोगिता में पूर्व मंत्री ने बच्चों को पुरस्कृत भी किया।
बात करके नहीं बताएंगे, हम काम करके दिखाएंगे, आपके आंख में
खामियां दिखाएंगे और भाषण से आपको नहीं खुश करेंगे, इसलिए थोड़ा इंतजार करिए। इन अल्लाह माशाब्रीन, इसलिए बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन हमारी राष्ट्रीय और एकता अखंडता का दिन है, प्रेम और विश्वास का दिन है, हमारे वीर और सूफी और संतों की शहादत को याद करने का दिन है और प्रण लेने का दिन है कि हम इस देश को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बल्कि हिंदुस्तानी के रूप में इस देश के तिरंगा को हमेशा हिमालय की पर्वत की शिखर पर ऊंचाई कर छुआ करेंगे, लड़ा करेंगे।